नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली एम्स, यानी इसे हम कहें तो दिल्ली मेडिकल कॉलेज सफरतगंज। आप यदि यहाँ इलाज कराना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ डायरेक्शन या निर्देश दूंगा जिनको आप फॉलो करें और जल्दी से आप इलाज करा सकते हैं। कैसे इलाज करें तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कर दें। ये दिल्ली एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का प्रवेश द्वार है। यहाँ से जो पहली बार आता है व्यक्ति, उसको पर्चे बनाने के लिए इस गेट से प्रवेश करना पड़ता है। मैं यहाँ बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये रोड है, मेडिकल स्टोर है सामने और आपातकालीन इमरजेंसी कक्ष भी है, और ये आप देख रहे हैं ये सामने मंदिर वाली गली, ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज ऑफ एवं सफरतगंज अस्पताल है। तो ये यहाँ का नज़ारा है। अब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं अंदर की तरफ। ये वह जगह है, यदि जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो यहाँ अपना नेत्रदान कर सकता है। ये सामने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिख रहा है। यदि कोई व्यक्ति इमरजेंसी में है, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत है या एक्सीडेंटल है, तो उसको क्या करना चाहिए, यहाँ से सीधे गाड़ी अंदर की तरफ जाएगी और यहाँ पे अलग अलग लाइनें बनती हैं, और इन लाइनों में अलग अलग, जैसे जिसने पहले व्यक्ति ने यहाँ इलाज करा लिया है उसके लिए लाइन बनेगी, और जो व्यक्ति नया अभी पहली बार आया है उसके लिए अलग लाइन बनेगी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये इमरजेंसी के लिए यहाँ पे दिया गया है आपातकालीन। तो सामने का जो देख रहे हैं वो सब आपातकालीन हैं। अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ लोगों से हम बात भी कराएंगे। सर, किन लोगों की लाइन लगी है ये वाली? ये जो लाइन लगी है ये कौन से लोगों की लाइन लगी है, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है कि नया रजिस्ट्रेशन होना है? जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका, यानी जिन लोगों ने पहले दिखा दिया है। जी, आप बताएंगी बहन जी यहाँ पे? जी, आप पहले दिखा चुकी हैं यहाँ पर? जी, तो ये उन लोगों के लिए है जो मतलब यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन नया कराना तो वो लाइन कहाँ रहेगी? अच्छा अच्छा, पहला वाला। तो यहाँ आगे आप देख रहे हैं जो लोग पहले इलाज करा चुके हैं उनके लिए ये लाइनें लगी हुई हैं। अब मैं आगे आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि नया रजिस्ट्रेशन जिन्हें कराना है या फर्स्ट टाइम जो यहाँ आए हैं उनके लिए कौन सा लाइन रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भारत का सबसे बड़ा एम्स। सर, ये जो एक यहाँ अलग से लाइन लग रही है, यहाँ लिखा हुआ है रोगी स्वास्थ्य केंद्र PRC, तो सर ये लाइन जो है ये कौन सी लाइन है सर? जो पुराने मरीज है। अच्छा, जो पुराने पेशेंट हैं, हाँ, जिनके लिए डॉक्टर से द्वारा डेट अलॉट की जाती है, डेट अच्छा लिखा है वहाँ पे कि केवल बिना अपॉइंटमेंट वाले मरीज यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराए। अच्छा, यहाँ दिया है कि नीचे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, केवल बिना अपॉइंटमेंट वाले मरीज यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये लाइन अलग लगती है। आप पहले दिखा चुके हैं यहाँ पे, इलाज करा चुके पहले एम्स में, तो आपको डेट मिला था, तो ये लाइन आप देख रहे होंगे। अभी सुबह के जैसे ही देख रहे हैं कि 5 के समथिंग बजा है और लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं।
अभी मैंने दो जगह लगी हुई लाइनें दिखाई, एक वो जने डॉक्टर अपॉइंटमेंट देते हैं कि अगली डेट पर आपको आना है, अगली तारीख में आना है, एक वो जगह थी जहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो हो जाता लेकिन दूसरी बार दिखाने के लिए आते हैं। अब मैं आपको तीसरी लाइन दिखाने जा रहा हूँ, एम्स न्यू दिल्ली। अब ये रोगी स्वागत केंद्र यहाँ पर, तो ये लोग, इसमें नया रजिस्ट्रेशन होता है, कुछ पेशेंट से बात करेंगे हम। भैया ये कौन सी लाइन लगी है बताएंगे आप, जो नए आए हैं? नए वाला, ये नया वाला लाइन है जो बिल्कुल नए लोग आए हैं रजिस्ट्रेशन कराना है। अच्छा, पीछे से लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें यहाँ लग चुकी हैं। नए रजिस्ट्रेशन के लिए या तो व्यक्ति शाम को आ जाए तब यहाँ हो सकता है, सुबह के 4 बजे हुए हैं और यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। ये डबल लाइन है और यहाँ इस जगह वो है जहाँ पर अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोग यहाँ इलाज कराने आए हैं तो नए लोगों का यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये वो पेशेंट हैं जो नए और अलग अलग जगह से आए हैं। भैया कहाँ से आए इलाज कराने? आए मणिपुर। तो फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार, तो नया रजिस्ट्रेशन होगा आपका। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह से ये लाइनें लगती, और यहाँ मैं दिखा दूँ कि और पीछे तरफ भी, इस तरफ भी लाइनें घूम जाती हैं। रोगी स्वागत केंद्र यहाँ, ये जो देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र। तो ये जो लाइनें देख रहे हैं ये केवल जो भी आँख वाले हैं उनके लिए। ये कौन सी लाइन लगी हुई है, ये किसके लिए लाइन लगी हुई है, ये वाली कौन सी, ये जो यहाँ लगी है आँखों वाली? अच्छा, आँखों के देखने वाले। तो ये आँखों को अगर दिखाना है तो इस लाइन में आपको आना पड़ेगा। ये केंद्रीय पूछताछ कार्यालय एवं रेलवे आरक्षण केंद्र। तो ये था नज़ारा यहाँ का। प्लीज़ आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे पहली बार आने वाला जो व्यक्ति हो कहीं भटके नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी LTD।